दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से चैनल पे आपका स्वागत है। आज हरतालिका तीज की रात है और हम खजराना में, हमारे घर के पास ही खजराना गणेश मंदिर है, हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाते हैं। ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है, यहीं से मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना होता है। एक तरफ से वाहनों के जाने के लिए है और जिस साइड हम चल रहे हैं उस साइड से वाहन आने के लिए है। ये जो छोटा रास्ता आप देख रहे हैं ये आम दिनों में खुला रहता है, लेकिन आज यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के चलते दर्शनार्थियों के लिए बंद किया हुआ था। ये देखिए आप, यहाँ पे बहुत अच्छी सज्जा की हुई है और ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये अन्न क्षेत्र है, भोजनशाला है। आपको मंदिर दिखने लग गया होगा, ये दुकानें हैं जो कि आप पार्किंग में वाहन खड़ा करके आते हैं तो आपको दुकानों के बीच में से आना पड़ता है और आप प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ से ले सकते हैं। आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, साज सज्जा बहुत अच्छी की हुई है, लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई है। चलिए अब आगे चल के आपको दर्शन करवाते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर का, यहीं से आपको आना होता है। यहाँ पर बैनर भी लगा है, श्री गणपति मंदिर प्रबंध समिति इंदौर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। यहाँ से एंट्री होती है मंदिर में और ये भव्य द्वार बना हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, गणेश चतुर्थी आने वाली है, हरतालिका तीज की रात्रि है और हम पास ही में रहते हैं तो रात में दर्शन करना अच्छा रहता है। आप मंदिर देख रहे हैं, हमें मुश्किल से 15 मिनट लगे थे, दर्शन हो गए थे हमारे। कल बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है यहाँ पर चतुर्थी वाले दिन, क्योंकि कुछ समय से कोई भी त्यौहार ठीक से हम मना नहीं पाए हैं कोविड के चलते। तो अब जो भी त्यौहार मन रहे हैं पूरे हर्षोल्लास से मन रहे हैं। अब हम मंदिर में अंदर आ गए हैं, यहाँ पे स्टेप में दर्शन करने की व्यवस्था है, यानी कि जो सबसे आगे खड़ा होगा वो सबसे नीचे खड़ा होगा और जो सबसे पीछे खड़ा होगा वो सबसे ऊपर खड़ा होगा, जिससे सभी के दर्शन हो जाते हैं। कम से कम 4 से 5 पंक्तियाँ हैं यहाँ पे। और जो बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं शंकर भगवान का मंदिर है, अभी वहाँ के पट बंद है और पूरी यहाँ पे फूलों से साज सज्जा की हुई है। अभी दर्शन करवाएंगे आपको श्री गजानन गणपति जी महाराज के, जो कि खजराना में स्थित है। भीड़ आप देख सकते हैं, अभी रात के 12:30 बजे हैं, भीड़ बहुत हो रही है यहाँ पर। सभी श्रद्धालु आए हुए हैं और कल रात तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब हम श्री गणेश जी के बिल्कुल सामने आ गए हैं, अभी जूम करके आपको दर्शन करवाएंगे। साज सज्जा बहुत अच्छी की हुई है और दर्शनार्थी आप देख सकते हैं बहुत यहाँ पे अभी आए हुए हैं और ये लगातार चलता रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। और कल 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगेगा यहाँ पर और रोज़ रात में भजन संध्या और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। बिल्कुल सामने आप देखिए भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अभी आपको ठीक से दर्शन करवाएंगे। सभी यहाँ पे फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अन्य अपने घर के परिजनों को बताने के लिए और मोबाइल पे डालने के लिए। देखिए आप दर्शन कर सकते हैं, एक कमेंट ज़रूर करिएगा जय श्री गणेश, जिससे हमें अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो आपने देखी और आपको वीडियो पसंद आ रही है। ये माता जी का मंदिर है, यहाँ पे भी साज सज्जा आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। यहाँ पे अभी प्रवेश निषेध है सभी लोगों का, केवल बाहर से आपको दर्शन करने की अनुमति है। पुलिस प्रशासन ने और मंदिर कार्यकारिणी सदस्यों ने यहाँ पे पूरी व्यवस्था संभाली हुई है और कल भी संभालेंगे। कल दिन भर यही चलता रहेगा दर्शनार्थियों का लगातार यहाँ पर आना। और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटरप्रूफ टेंट लगाया हुआ है, जिससे कि किसी को असुविधा ना हो। यहाँ पे दूसरे मंदिरों के दर्शन अभी बंद किए हुए हैं, उधर जा भी नहीं सकते हैं, पूरा बंद किया हुआ है। आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल सामने जो मंदिर है वो साईं बाबा का है, लेकिन यहाँ पे कनात लगा के सभी जगह इधर उधर जाने के लिए बंद किया हुआ है। दूसरे मंदिरों में दर्शन अभी नहीं कर पाएंगे, केवल आप सीधे आके गणेश मंदिर दर्शन करके और सीधे आप को निकासी मार्ग से बाहर हो जाना पड़ेगा। ये देखिए हम अब बाहर आ गए हैं, सीधे हाथ पे कंचन सत्संग हाल था, वहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी और यहाँ पे कुछ इस तरीके का माहौल है अभी।
दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने के बाद बैठे हैं। सामने गणेश मंदिर आप देख रहे हैं और ये जो लाइटिंग देख रहे हैं सामने आप स्क्रीन लगी है और ये जो लाइटिंग देख रहे हैं ये श्री राम मंदिर की लाइटिंग है। पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूँगा तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं यहाँ के श्री गणेश मंदिर के। रिंग रोड पे बहुत ही भव्य द्वार बना है श्री गणेश मंदिर द्वार खजराना, उसकी भी वीडियो है वो भी देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों अब यहाँ से बाहर तक की व्यवस्था किस तरीके की हुई है मैं आपको बता देता हूँ, और यदि यहाँ तक आपने देख लिया है और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक कमेंट ज़रूर करें जय श्री गणेश का, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और हमें समझ में आता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। देखिए हम बाहर आ गए हैं और सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप ये वाली, ये अन्न क्षेत्र है, यहाँ पर रोज़ भोजन बनता है, रोज़ भगवान को भोग लगता है और फिर श्रद्धालुओं में वितरित होता है, तो यहाँ पे जो भी आना चाहे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, यहाँ पे आप आके भोजन कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं, देखिए इधर भी बहुत अच्छी तरीके से सजावट की हुई है। ये आगमन मार्ग है और जो आप इस साइड देख रहे हैं ये निकासी मार्ग है, यानी कि यहाँ से वाहन निकलने के लिए है जगह। दोस्तों इंदौर में यदि गणपति मंदिर का नाम आता है तो खजराना गणेश का नाम सबसे पहले आता है। आपने अभी दर्शन किए, आपने यहाँ का मंदिर परिसर देखा, और भी वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा तो आप उसे भी देखिए, वो भी आपको अच्छी लगेगी। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है उसके लिए धन्यवाद। एक कमेंट ज़रूर करिएगा जय श्री गणेश, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।